आज हम जानेंगे शादी के स्कैम के बारे में। आए दिन आपने ऐसी खबरें पढ़ी होगी जिसमें ये देखने को मिलता है कि लड़का और लड़की ने 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन क्या आपको पता है इस तरीके से कोई 500 के स्टाम्प पर साइन करवाकर शादी की बात करता है तो ये इलीगल होता है? जी हाँ, कानून की नज़रों में ऐसी शादी की कोई मान्यता नहीं होती है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप भी ऐसे किसी स्कैम में न फंसो। नोटरी और कोर्ट में सक्रिय दलालों की मदद से हर माह 45 से 50 लड़के और लड़कियों की जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो धोखा होता है वो लड़कियों के साथ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कियों को शादी का झूठा वादा करके रिलेशन बना लेते हैं, फिर वो उनसे ऐसे 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन कर लेते हैं। इससे लड़कियों को ये लगता है कि उनकी शादी हो गई, लेकिन असल में ऐसी शादी की कोई वैल्यू नहीं होती है। लड़कियों को झांसे में लेने के लिए लड़के ऐसी स्टाम्प या नोटरी मैरिज का सहारा ले रहे हैं। इसमें सबसे खास बात यह देखने को मिलती है कि कोर्ट मैरिज के नाम पर स्टाम्प पेपर साइन करने वाली लड़कियों में गांव या कम पढ़ी लिखी लड़कियां ही नहीं बल्कि जॉब करने वाली लड़कियां भी शामिल हैं। और इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानून की नज़र में ऐसी शादी अवैध होती है, लेकिन ऐसी शादियों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। पहला केस, लड़की ने तीसरी बार अबॉर्शन नहीं कराया तो लड़के ने तोड़ दिया रिश्ता। भोपाल की एक लड़की भी स्टाम्प मैरिज की शिकार हुई। लड़के ने खुद को एसडीएम का बेटा बताया और लड़की से स्टाम्प पेपर पर शादी कर ली। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे। इन दो साल में लड़की 2 बार प्रेग्नेंट हुई और उसका 2 बार अबॉर्शन कराना पड़ा। तीसरी बार लड़की ने अबॉर्शन कराने से इनकार कर दिया तो लड़के ने उसे छोड़ दिया। जब लड़की ने कहा कि हमारी तो शादी हो गई है, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते हैं, तो लड़के ने कहा कि इस स्टाम्प पेपर पर लिखे एग्रीमेंट का कोई कानूनी आधार नहीं है। लड़की ने लड़के के खिलाफ थाने में ज्यादती का मामला दर्ज करा दिया। लड़की के परिवार का कहना है कि जब इस शादी का कोई कानूनी आधार ही नहीं है तो हम कोर्ट केस कैसे लड़ेंगे। ऐसे ही न जाने कितने ही लोग होंगे जो कोर्ट में केस रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं ऐसी झूठी और अवैध शादी की। इसी तरीके से स्टाम्प पेपर तैयार करने वाले नोटरी या दलालों के खिलाफ भी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाता है। दूसरा केस, थाने में शिकायत की तो कर ली स्टाम्प पर शादी, अब लड़का भाग गया। ये मामला भी भोपाल का है। लड़की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। कंपनी के मैनेजर ने लड़की से शादी का वादा कर सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिए। लड़की जब प्रेग्नेंट हुई तो लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की ने महिला थाने में शिकायत की तो लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। लड़के ने कोर्ट मैरिज के नाम पर लड़की से 500 के स्टाम्प पर साइन करवा लिए। 10 दिन बाद ही लड़का लड़की को किसी अनजान अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसका एबॉर्शन हो गया है। इस घटना के 20 दिन बाद ही लड़का गायब हो गया। लड़की जब दोबारा लड़के की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची तो उसे बताया गया कि स्टाम्प मैरिज का कोई भी कानूनी आधार नहीं है, इसलिए लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। इससे एक बात तो साफ है कि लोगों को शादी के नाम पर स्टाम्प पेपर पर साइन करके बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। उम्मीद है आपको इन 2 केसेस से समझ में आया होगा कि 500 के स्टाम्प पर साइन करके किसी के झमेले न पड़े। ऐसे 500 रुपए के स्टाम्प पर शादियों का कोई कानूनी आधार नहीं है। कई बार लोग जानबूझकर कानूनी झमेले से बचने के लिए ऐसी शादियां करते हैं, हालांकि ऐसे पेपर में कहीं भी शादी का जिक्र नहीं होता है। ये केवल साथ रहने का एकमात्र शपथ पत्र होता है।